नमस्कार दोस्तों, मैं सीए योमेश पाठक, प्रोफेशनल न्यूमरोलॉजी एंड वास्तु कंसल्टेंट, फिर से हाजिर हूँ आपके सामने एक बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग टॉपिक लेकर। इससे पहले कि मैं आगे बढ़ूँ, आपसे अनुरोध है कि आप कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मैंने एक चीज़ नोटिस किया है कि लोग काफ़ी सारे वीडियोज़ को व्यू आ रहे हैं, व्यू बहुत अच्छे हो रहे हैं, बट सब्सक्रिप्शन इतना नहीं हो रहा है। सो आप सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, ताकि आगे भी आपको अच्छी जानकारियाँ ऑटोमेटिकली आ जाए आपके आपके मोबाइल में या आपके टीवी में, आपके यूट्यूब पे। सो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और इस कारवा को आगे बढ़ाइए। सो दोस्तों, आज का जो टॉपिक है, मैंने बोला कि बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। क्यों इंटरेस्टिंग है? क्योंकि यह है शुक्र के उपाय। अब दोस्तों, शुक्र आपको क्या देता है? सबसे पहले जानना ज़रूरी है शुक्र कौन से नंबर से लिंक होता है। नंबर 6 से, नंबर 6 रूल होता है शुक्र से। और शुक्र आपको क्या देता है? पैसा, धन, दौलत, ऐश्वर्य, और आपको और फैमिली रिलेशनशिप, शादी, बच्चे, ओवरऑल प्रॉस्पेरिटी जो है वो है शुक्र का काम। तो दोस्तों, आज के युग में, आज के युग को हम कहते हैं यह है शुक्र प्रधान युग। क्यों? क्योंकि पैसा किसको नहीं चाहिए, राइट? ऐश्वर्य किसको नहीं चाहिए, प्रॉस्पेरिटी किसको नहीं चाहिए, फैमिली का सुख किसको नहीं चाहिए? सभी को ये चीज़ें चाहिए होती है। क्या आपने किसी ऐसे इंसान को देखा है जो बोलेगा कि मुझे शांति चाहिए, मुझे पीस चाहिए, मुझे पैसा नहीं मिलेगा तो चलेगा? मैंने तो आज तक ऐसा कोई नहीं देखा। यदि आपने ऐसा कोई देखा है तो आप मुझे बताइए। बट मैं एक चीज़ जानता हूँ कि आज सबको पैसा चाहिए, धन दौलत ऐश्वर्य सबको चाहिए। तो आज मैं आपको बताऊँगा कि इस चीज़ के लिए मुझे क्या करना चाहिए। तो शुक्र का उपाय, बहुत ही सरल उपाय मैं आपको बताने वाला हूँ। शुक्र के कुछ उपाय आपको करने हैं। सफ़ेद चीज़ों का दान कीजिए। आपको सफ़ेद चीज़ शुक्रवार के दिन, चाहे वो खाने की चीज़ हो, सफ़ेद कपड़ा हो, वो गरीबों को दान करना है शुक्रवार के दिन। आपको सफ़ेद कपड़े पहनने हैं, ज़्यादा से ज़्यादा सफ़ेद कपड़े पहनने हैं, और आपको साफ़ सुथरा रहना है। ये सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, आपको साफ़ सुथरा रहना है। आपका घर, आपका ऑफिस सब साफ़ सुथरा रखना है, ना कि आपको यहाँ वहाँ पसारा, यहाँ वहाँ कचरा रखना है। ये सब चीज़ आपको नहीं करनी है। एक और चीज़ आप कर सकते हो, वो है आप परफ्यूम लगा सकते हो, अच्छा इत्र लगा सकते हो, आप अच्छी खुशबू अपने बॉडी पे, अपने कपड़ों पे रख सकते हो, जिससे भी आपको काफ़ी लाभ होगा। अब एक चीज़ दोस्तों मैं आपको बता दूँ कि ये रेमेडीज़ किसको करनी है। हालाँकि आंसर बहुत ही सिंपल है, जिसको भी पैसा चाहिए, जिसको भी धन दौलत चाहिए, ये सब कुछ करनी चाहिए। तो सबसे पहले तो जिनके भी बर्थ चार्ट में नंबर 6 मिसिंग है, उनको ये रेमेडीज़ करनी है। दूसरा, जिनका ड्राइवर यानी कि मूलांक 6 है, उनको ये रेमेडीज़ करनी है। तीसरा, जिनका कंडक्टर यानी कि भाग्यांक 6 है, उनको ये रेमेडीज़ करनी है। चौथा, जिस किसी को भी पैसों की आवश्यकता है, या जिस किसी को भी पैसों की लालसा है, या जिस किसी को भी ऐश्वर्य चाहिए, सभी को ये रेमेडीज़ करनी है। सिर्फ एक कैटेगरी है जिनको ये रेमेडीज़ नहीं करनी है। तो ये रेमेडीज़ किसको नहीं करनी है? जिसका ड्राइवर या कंडक्टर 3 है, यानी कि जो इंसान किसी भी महीने की 3, 12, 21 या 30 तारीख को जन्मा है, या किसी भी इंसान के डेट ऑफ बर्थ की टोटल यदि 3 आ रही है, उस इंसान को ये रेमेडीज से परहेज करनी है। तो आप कहोगे, भाई मैं तो 3 नंबर हूँ, तो क्या मुझे ऐश्वर्य नहीं मिलेगा, मुझे धन नहीं मिलेगा, मुझे प्रॉस्पेरिटी नहीं मिलेगी? तो दोस्तों, इसके लिए आपको अल्टरनेट रेमेडीज़ करनी है। आपको जो रेमेडीज़ करनी है वो है बुध की रेमेडीज़ आप कीजिए। आप ज़्यादा से ज़्यादा हरे रंग का उपयोग कीजिए, आप हरे रंग का कपड़ा पहनिए, आप हरी सब्जियाँ ज़्यादा खाइए, आप ग्रीन एवेंचुरन का ब्रेसलेट पहन सकते हैं, आप ग्रीन ब्रेसलेट या ग्रीन धागा पहन सकते हैं। ये रेमेडीज़ आप कीजिए। यदि आप 3 नंबर है, आप 6 की नहीं कर सकते, बट आप ये रेमेडीज़ कीजिए। तो दोस्तों, एक और चीज़ मैं आपको यहाँ पे बताना चाहूँगा कि जो लोग शुक्र से जुड़े प्रोफेशन में है, यानी कि मीडिया इंडस्ट्री, होटल इंडस्ट्री, ग्लैमर इंडस्ट्री, बॉलीवुड, एविएशन इंडस्ट्री, यानी यदि आप एयरहोस्टेस हो, ग्राउंड स्टाफ हो या पायलट हो, ये सभी इंडस्ट्रीज़ के में काम करने वाले लोगों को भी ये रेमेडीज़ करनी चाहिए। उनके लिए भी ये रेमेडीज़ काफ़ी असरकारक और काफ़ी लाभदायक होगी। एक और चीज़ मैं यहाँ पे बताना चाहूँगा, ये हो गया करियर का बात। सो दोस्तों, शुक्र जो है वो आपको सिर्फ प्रॉस्पेरिटी और धन दौलत नहीं देता, शुक्र आपको रिलेशनशिप भी देता है, शुक्र आपको फैमिली लाइफ, फैमिली सपोर्ट भी देता है।
सो यदि आपकी शादी नहीं हो रही है तो भी आपको शुक्र के उपाय करने चाहिए। यदि आपकी शादी हो चुकी है फिर भी आपके रिलेशनशिप आपकी वाइफ के साथ या आपके हस्बैंड के साथ अच्छे नहीं है तो भी आपको ये उपाय करने चाहिए, जिससे आपके रिलेशनशिप में इम्प्रूवमेंट आएगा। तीसरी और इम्पॉर्टेंट चीज़, यदि आपको संतान सुख चाहिए तभी भी आपको ये रेमिडीज़ करनी है और आपको संतान सुख की भी प्राप्ति इन रेमिडीज़ से हो सकती है। अब दोस्तों आप बोलोगे कि ये रेमिडीज़ तो इतनी सिंपल है, ये रेमिडीज़ में ना मेरा पैसा जा रहा है ना मेरा टाइम जा रहा है, तो क्या सच में ये रेमिडीज़ काम करेगी? लोगों को बहुत बार शंका होती है कि इतना सिंपल करने से तो फिर कोई भी कर ले, एक्चुअली कोई भी कर ले, बट प्रॉब्लम यह है कि कोई करता नहीं है। सो इसलिए मैं आपको बताना चाहूँगा कि मेरी रेमिडीज़, मैंने पहले भी बताया है कि ये जो रेमिडीज़ हम सजेस्ट करते हैं वो ऐसी रेमिडीज़ है जो कोई भी इंसान, चाहे वो पैसे वाला हो, चाहे गरीब हो, चाहे मिडिल क्लास हो, कोई भी ये रेमिडीज़ कर सकता है। और हमने रेमिडीज़ को डिज़ाइन ही इस तरह से किया है कि ये रेमिडीज़ जो है वो आपके कर्मा बेस्ड है। आप देखोगे, ठीक है, हम क्या कह रहे हैं आपको, आपको हरे कपड़े पहनने हैं, आपको साफ़ सुथरा रहना है, आपको दान धर्म करना है, तो ये सभी रेमिडीज़ जो है ये रेमिडीज़ आपके कर्मा को इम्प्रूव करेगी, आपके कार्मिक साइकिल को इम्प्रूव करेगी। तो ये कार्मिक साइकिल इम्प्रूव करने के बाद पैसा ऑटोमेटिकली आएगा, धन ऑटोमेटिकली बरसेगा, आपका रिलेशनशिप ऑटोमेटिकली सुधरेगा और आपका घर परिवार में सुख शांति समृद्धि डेफिनेटली आएगी, ये मेरा विश्वास है। तो दोस्तों आपने देखा होगा कि रेमिडीज़ के लिए लोग कहते हैं कि आपको ये अंगूठी पहननी है, आपको ये डायमंड पहनना है, आपको एक महंगा वाला कोई ग्रह का कोई अंगूठी पहनना है। तो ये चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा, सबका अपना अपना मानना है, सबका अपना अपना तरीका है, ठीक है। मैं जिस चीज़ में बिलीव करता हूँ वो है कर्मा, और मैं जिस चीज़ में बिलीव करता हूँ वो है यंत्र। हमारे प्राचीन हिंदू धर्म में यंत्र का काफ़ी इम्पोर्टेंस है, ना कि जेमस्टोन्स का। मैं किसी की अवहेलना नहीं कर रहा हूँ या मैं किसी को ये नहीं कर रहा हूँ कि आप जेमस्टोन्स ना पहनो, अपनी अपनी चॉइस है। बट ये जो रेमिडीज़ हम बताते हैं ये बहुत ही सिंपल रेमिडीज़ है, सरल रेमिडीज़ है, कॉस्ट इफेक्टिव रेमिडीज़ है। इसमें ना ही आपका खर्चा है, ना ही आपका ज़्यादा टाइम जाएगा। आज के युग में हम देखते हैं कि सब लोग भागते रहते हैं, किसी के पास टाइम नहीं है, ठीक है। सो इसीलिए ये रेमिडीज़ ऐसी है कि भाई जिसमें आपका ना टाइम जाएगा, ना आपका पैसा जाएगा, ना आपका ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट होगा, राइट। सो इसीलिए ये चीज़ें ऐसी है जो आप करके देखिए, आपको निश्चित लाभ होगा। एक आखिरी चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा, शुक्र को एनलाइटन करने के लिए एक मैं आपको वैदिक मंत्र भी दूंगा। इस मंत्र का उच्चार करने से भी या इस मंत्र की माला करने से शुक्रवार के दिन आपको काफ़ी लाभ होगा। वो मंत्र है ओम शम शुक्राय नमः। आई रिपीट, ओम शम शुक्राय नमः। ये शुक्र के जाप को आप हर शुक्रवार को कीजिए, इसकी एक माला एटलीस्ट आप हर शुक्रवार को कीजिए, आप करके देखिए, आपको लाभ निश्चित होगा। सो दोस्तों ये था मेरा आज का वीडियो शुक्र के उपाय पे। हम अगले वीडियोस में और भी ज़्यादा जानकारी, और भी ज़्यादा रेमिडीज़, और भी ज़्यादा परम्यूटेशन कॉम्बिनेशंस को डिस्कस करेंगे, जिससे आप अपनी लाइफ को अपलिफ्ट कर सकें। सो आप हमारे साथ जुड़े रहिए हमारे अगले वीडियो में, और तब तक के लिए आप अपनी सेहत का ख्याल रखिए, अपने परिवारजनों का ख्याल रखिए। We'll meet you in our next video.